झाबुआ जिले के थानला में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत बांटे गए गिफ्ट को लेकर अजब स्थिति बन गई है। वर वधु समय हैरान रहेगा जब उन्होंने मेकअप बॉक्स खोलकर देखा, बॉक्स में कॉन्डम और गर्भ निरोधक टैबलेट निकली। मंगलवार को यहां सामूहिक विवाह समारोह के तहत 296 जोड़ों की शादी कराई गई। इसमें प्रशासन ने दुल्हनों को ये गिफ्ट बांटे थे। इधर मामला सामने आने के बाद कांग्रेस ने इसे शर्मनाक बताया है। गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर यह आयोजन किया गया था। सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसा आम सरकारी आयोजनों में होता है। परिवार के लोग खुश नजर भी आ रहे थे। तभी दुल्हन के मेकअप बॉक्स में मेकअप के सामान के साथ कॉन्डोम और गर्भ निरोधक टैबलेट मिलने से वर वधु ही नहीं उनके परिजन भी असहज नजर आने लगे। उन्हें अफसरों का ये रवैया अटपटा लगा। पहले तो लगा कि शायद सरकार का कोई नवाचार है। चाबुआ से ये पायलट प्रोजेक्ट पूरे प्रदेश भर में लागू किया जाना है। लेकिन जब सवालों पर अफसर टालम टोल करने लगे तो ये साफ हो गया कि परिवार नियोजन के प्रति जागरूक करने के इस अटपटे तरीके से सरकार का कोई लेना देना नहीं है, बल्कि अफसरों का ही प्लान था। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ।